गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 एंड इट इज बेस्ड ऑन द क्यूब्स। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ अवर न्यू एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था कि परफेक्ट क्यूब के लिए जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। सबकी फ्रीक्वेंसी किस में होनी चाहिए? 3 के मल्टीपल में। ओके, तो अगर किसी नंबर के अंदर उसके प्राइम फैक्टर्स जब हम करेंगे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टर्स अगर 3 के मल्टीपल में नहीं होंगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब भी नहीं होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट क्यूब होगा 216। तो देखिए 216 को हम सॉल्व करते हैं। 216 प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम इसके। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, इसे डिवाइड हो रहा है 2 से। 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 108। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 25 करते हैं, 248। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 224, 1 रिमाइंडर 14, 27 14। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होने बल्कि 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1। फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या होगा, 2 2 2 हो गया, 3 3 3 ये भी 3 टाइम हो गया। तो ईच प्राइम फैक्टर जो है वो कितने टाइम होना चाहिए? 3 टाइम, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 3 के मल्टीपल वाली होनी चाहिए। तो ये 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2016 इज अ परफेक्ट क्यूब। सेकेंड 128 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कितने टाइम? 16 टाइम। अभी भी 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 8 टाइम। 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 से डिवाइड होगा 2 टाइम, सॉरी 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 1। ओके, तो सारे प्राइम फैक्टर्स जो है इसमें कौन सा है? एक ही प्राइम फैक्टर आया 3, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। चेक करते हैं, सारे पेयर बना रहे हैं, 3 3 के पेयर बना रहे हैं। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, बट ये क्या हो गया? अब रिमेनिंग बच गया 2, तो ये 2 जो है वो सिंगल है और इसका पेयर नहीं बन रहा है 3 का। तो यहाँ पर जो है ये 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर 3, 1000 ये आप होमवर्क करेंगे।
फोर्थ 100 ये भी आप होमवर्क करेंगे। फोर्थ ये आपका है एसडब्ल्यू, अब फोर्थ आपका है 100 सही में करा देता हूँ। ये सबसे पहले टू से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम 50 टाइम, फिर टू से डिवाइड हो रहा है 25 टाइम, अब तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 5 टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो देखिए यहाँ ना तो 2 का पीरियड 3 टाइम है ना 5 जो है वो 3 टाइम है, दोनों ही 3 टाइम नहीं है, तो ये तो एब्सोल्युटली क्या हो गया नॉट परफेक्ट नंबर। सो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके क्यूब नंबर भी लिख सकते हैं इसको, क्यूब नंबर एंड क्यूब नंबर। नाउ फिफ्थ नंबर 5, 46,656 लास्ट डिजिट 6, तो ये इवन नंबर है, इसे डिवाइड करें 2 4 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 रिमाइंडर 1 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड इवन नंबर 2 1 2 2 1 2 रिमाइंडर 1 कैरी 13, 2 6 12 कैरी 1 12 It also even divided 2 2 5 10 remainder 1 16, 2 8 16, 2 3 6 and 2 4, okay now last 2 ये भी divisible है 2 से, 2 2 4 carry 1 9 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से divide 2 1 2 2 4 8 remainder 1 2 5 10 remainder 1 16, 2 8 16, अभी भी 2 से divide करें 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, अब 2 से divide कर नहीं है तो अब किससे होगा 3 से, 9 2 11 and 7 18, 3 से divide करें 3 2 6 carry 1 3 4 12, फिर 3 से डिवाइड करें 3 8 24, 3 1 3, 3 से डिवाइड करें 27, 8 6 कैरी 2 21, 3 7 21, नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 3 से डिवाइड 3 टाइम एंड 3 से डिवाइड 1 टाइम, ओके स्टूडेंट्स। तो अब चेक कीजिए कि सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो देखिए 1 2 3 ये पेयर हो गया, 1 2 3 ये 2 का पेयर हो गया, 1 2 3 3 का पेयर हो गया, 1 2 3 देखिए ऑल प्राइम फैक्टर जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल कितनी है 6 और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो सो 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स हमने लास्ट ईयर के भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि जिसमें स्क्वायर के क्वेश्चन होते थे कि आप इस नंबर को मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करेंगे
ताकि हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो जो नंबर प्राइम फैक्टर जितने टाइम हमारे पास कम पड़ रहा है पेयर बनाने में, जैसे यहाँ पे क्यूब में हमें कितने के पेयर बनाने, थ्री थ्री के पेयर बनाने, ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर थ्री टाइम होना चाहिए। तो जितने टाइम वो कम पड़ रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, 243 है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 243, 3 से डिवाइड करेंगे 81 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम, फिर 3 से डिवाइड किया 9 टाइम, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, और 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। अब देखिए पेयर, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर ओनली 2 टाइम है, होना कितने टाइम चाहिए, 3 टाइम। जितने टाइम कम पड़ रहा है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड1
स्मॉलेस्ट नंबर के बाय विच मल्टीप्लाइड द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑब्टेन द परफेक्ट रूट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब पिछली बार हमने क्या पॉइंट आउट किया था कि मल्टीप्लाई करना था, अब हमें डिवाइड करना है. अब हमें क्या करना है, डिवाइड. क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड होता है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड. ओके, डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन नंबर 1, 81. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 81 के. ये 81, it is the odd number, so it is not divided by 2. 3 से डिवाइड करेंगे हम 22nd टाइम. अब ये तो 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम. 3 से डिवाइड 3 टाइम एंड 3 से डिवाइड 1 टाइम. लास्ट फ्रेंड्स, अब हम पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो जिन जिन प्राइम फैक्टर्स का पेयर नहीं बनेगा उनका प्रोडक्ट ही हमारा सॉल्यूशन होगा. उनका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, तो पेयर देखिए थ्री का बन गया, वन पेयर तो बन गया थ्री थ्री थ्री. लेकिन यहाँ पे ये थ्री टाइम नहीं आएगा पेयर नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम रिक्वायर्ड. अभी भी टू से डिवाइजिबल है,
12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया 44 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 22 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 11 टाइम और 11 से डिवाइड किया 1 टाइम। नाउ 2 कितने टाइम लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम, इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, रिमेनिंग वन बचा 11, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 11। आई एम स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 11, परफेक्ट क्यूब इक्वल्स टू 784 डिवाइड बाय 11 64, कितना होगा 64, एंड 64 इज द फोर्थ क्यूब अबाउट 4। प्लेस स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 7.1। तो इसके अंदर हमने आज ये किया कि अगर हमें एक तो हमने चेक किया कि भाई कोई नंबर क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, चेक का मेथड क्या रहेगा प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर कितने टाइम होने चाहिए 3 टाइम होने चाहिए, ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक किया था परफेक्ट क्यूब और नॉन परफेक्ट क्यूब, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट किया कि स्मॉलेस्ट नंबर कि भाई जो गिवन नंबर है वो हालांकि परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हम इनको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो सेकेंड क्वेश्चन था मल्टीप्लाई का, वो भी प्राइम फैक्टर से किए। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का, कि अगर हम गिवन नंबर जो है जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है हम इनको कौन से नंबर से मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया प्राइम फैक्टर्स मेथड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर लें और जल्दी से जल्दी मुझे PDF सेंड करें। ओके बेटा, बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।